Let's crack CBSE 11. Hello once again, myself Krishnakant Modi. I am going to take your classes for CBSE 11th and 12th for the subject of accountancy. मैं आपको 11th plus 12th का CBSE का classes कराने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आपको मेरे बारे में कुछ चीज़ें बता दूँ. तो पिछले 2010 साल से मैं नागपुर ये शहर में पढ़ा रहा हूँ. अब तक मेरे 8,500 स्टूडेंट्स ऐसे रहे फेस टू फेस क्लासेस में जो होके गए. 5 कंसेक्यूटिव एग्जाम से 18 मेरे ऐसे स्टूडेंट्स रहे जिन्होंने 100 out of 100 स्कोर किया है. साथ ही साथ में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने 90 या 90 above स्कोर किया है व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट. आप मेरी क्लासेस रेगुलरली लाइव देख सकते हो ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन खरीदना होगा. अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. मैं फ्री में कुछ लेक्चर्स, वैसे भी आपने देखा होगा मैं यूट्यूब में फ्री में लेक्चर्स डाल ही जा रहा हूँ. इवन हमारे अनअकैडमी प्लस, हमारे अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, हमारा जो प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी एप्लीकेशन, उसमें भी कई फ्री लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे. बट प्लस लेक्चर का फायदा क्या होता है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं. वहाँ टेस्ट कंडक्ट कर पाना खूब पॉसिबल है. यहाँ जैसा यूट्यूब पे बोलूँ या मैं हमारे फ्री कोर्स पे बोलूँ, स्पेशल क्लास पे बोलूँ, तो वहाँ हमारे लिए टेस्ट करवाना डिफिकल्ट होता है. प्लस में हम टेस्ट लेते हैं ताकि आप आपका नॉलेज चेक कर सकें. स्ट्रक्चर कोर्स होता है, स्ट्रक्चर कोर्स मतलब ढूंढना नहीं पड़ता, यूट्यूब में ढूंढना पड़ता है इसके बाद सर ने क्या पढ़ाया होगा, अगला लेक्चर क्या होगा एंड एवरीथिंग. वहाँ ऑलरेडी डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है, अनलिमिटेड एक्सेस होता है, ना कि मेरा बल्कि द टॉप एजुकेटर्स अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. तो बेटा लाइव क्लास का फायदा क्या होता है, आप डिसिप्लिन में रहते हो. लाइव क्लास का फायदा ये होता है कि आप डिसिप्लिन में रहते हो. डिसिप्लिन में रहते हो मतलब आप क्या है, आपके ध्यान में रहता है कि इसके बाद मेरे को ये लेक्चर देखना है, इसके बाद मेरे को ये लेक्चर देखना है, इसके बाद मेरे को ये लेक्चर देखना है. तो आप डिसिप्लिन में बराबर प्रॉपर डिसिप्लिन में रहते हो तो आपको पता होता है कि रोज हमको इतने इतने बजे सर की क्लास अटेंड करने जाना है. तो आप कभी भी बैकलॉग जमा नहीं करोगे, रिकॉर्डिंग देखने के रहते में रिकॉर्डिंग होती है, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ. कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस के बारे में भी हमने डिस्कशन किया है कि स्ट्रक्चर कोर्स होता है, ढूंढना नहीं पड़ता. आपको एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करना है तो गो टू योर प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, व्हाट एवर डिवाइस यू आर यूजिंग, वहाँ से डाउनलोड करिए. इवन आप वेबसाइट के थ्रू भी ये लेक्चर्स देख सकते हैं. हमारे अगर 11 प्लस 12 के सब्सक्रिप्शन की प्लान बात करें तो 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month ऐसे कुछ सब्सक्रिप्शन है. मेरा 11th का बैच की अगर मैं बात करूँ तो मेरा 11th रेगुलर बैच चलता है 6 महीने का. उसके बाद मैं 3 महीने का रिवीजन लेता हूँ. तो यदि आपको चाहिए कि रेगुलर प्लस रिवीजन, वैसे 9 महीने होते हैं बट गो फॉर 12 month सब्सक्रिप्शन, ताकि जब 11th खत्म हो तो आपको सीधे सीधे वहाँ से ही 12th का भी फायदा, 12th का भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए. साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि 11th प्लस 12th दोनों ही एक साथ रिवीजन और वो पूरा पैकेज में मिल जाए तो यू शुड गो फॉर 12 month सब्सक्रिप्शन. वहीं अगर आप स्पेशल डिस्काउंट कोड मोदी अगर वापरते हैं तो आपको ये सारे कोड, ये वाले सारे सब्सक्रिप्शन आपको 10% डिस्काउंट पे मिल जाएंगे. दैट 10% डिस्काउंट इज दिस, ये प्राइसेस पे वो आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे. ठीक है, डोंट फॉरगेट, आपको जो चीज याद रखनी है वो क्या याद रखनी है, मोदी ये कोड, स्पेशल डिस्काउंट कोड आपको याद रखना है. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिए ताकि आपको वहाँ रेगुलरली अपडेट मिलते रहे जब हमारे लेक्चर्स में डालते रहेंगे. तब मेरे से डाउट पूछने के तरीके अगर मैं बता दूँ तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे यहाँ आपके डाउट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं. प्लस मैंने कुछ बच्चों के ग्रुप बना रखे हैं फॉर डिस्कशन. कई बार मैं डाउट भेजने में डिले कर देता हूँ तो मैंने यहाँ बॉयज़ ग्रुप, गर्ल्स ग्रुप अलग बना रखे, बच्चे आपस में ही डिस्कस करके डाउट निकाल देते. सही रहा तो मैं बोल देता हूँ सही है, अगर कोई भटक गए, गलत रास्ते पे चले गए तो मैं बता देता हूँ इसका आंसर ये नहीं वगैरह. आप अगर उस डिस्कशन में पार्ट करना चाहते हैं तो आप आपका नाम, आपका जेंडर और आपका बैच, ऑफकोर्स 11th के हो 12th के हो, ये भेज दो, मैं आपको रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में ऐड कर दूंगा. ये पैरेलल मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा फेसबुक आईडी, मेरा इंस्टा आईडी. आप चाहो तो मुझे फेसबुक पे भी डाउट पूछ सकते हो, इंस्टा पे भी पूछ सकते हो. कई बच्चे ऐसे रहते हैं ना जो यहाँ पे हमें नंबर रिवील नहीं करना चाहते. इवन आप चाहो तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है डाउट्स के लिए, अकाउंट्स के, 11th के डाउट के लिए, जहाँ बच्चे जो मेजरली डाउट पूछते हैं छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज में डालते रहता हूँ, प्लस आने वाले लेक्चर्स की डिटेल बताते रहता हूँ. तो आप अगर इसको स्कैन कर लेंगे तो आपको वो चैनल पे पहुंचने में मदद मिल जाएगी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज कंसेप्ट. आज का कंसेप्ट हम शुरू करते हैं. प्लस आज का कंसेप्ट अगर हमको शुरू करना है तो मैंने कुछ होमवर्क दे रखा था आपको, जो मुझे याद है मैंने एक प्रॉब्लम नंबर 12 आपको होमवर्क दे रखा था. आई होप आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, इजी था, दैट वाज नॉट डिफिकल्ट वन, दैट वाज क्वाइट इजी वन. मैं तो उम्मीद ही कर सकता हूँ कि आपने सॉल्व किया होगा. आई डोंट नो वेदर यू हैव सॉल्व इट और नॉट, बट येस, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दैट, ईमानदारी से कितने लोगों ने सॉल्व किया है. क्या था, आइए प्रॉब्लम नंबर 12 क्या था.
बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, दिमाग को तान नहीं था, बट फिर भी कई लोग होते हैं हमारे बीच में जो नहीं सर है ना, अभी भी बेटा अगर सॉल्व नहीं किया होगा तो पॉज कर लो वीडियो, क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से उसको सॉल्व करो और उसी के बाद इसको कंटिन्यू करो, अदरवाइज ये वीडियोज हेल्प नहीं करेगी आपको, अदरवाइज ये सब हेल्प नहीं होने वाला है आपको। इन द बुक ऑफ रोहन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक, आपको सब्सिडरी बुक बनाना है, यानी यहाँ परचेज बुक अलग, सेल बुक अलग, कैश बुक अलग, जर्नल अलग, ऐसा अलग अलग नहीं बनाना है, अब सब मिला के सारी बुक्स एक साथ बनानी है, सब मिला के सारे बुक्स आपको एक साथ बनाने हैं। तो एक बार ट्रांजैक्शन पढ़ते क्या क्या लिखा हुआ है। कैपिटल इंट्रोड्यूस रुपीज 10 लाख फॉर कैश, 10 लाख रुपए का कैश आया, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 3 लाख फॉर कैश, 3 लाख का कैश आया, तो ये क्या पहला ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगा, दूसरा ट्रांजैक्शन भी कैश बुक में चला जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट रुपीज 5 लाख फ्रॉम दीपक, 5 लाख दीपक से खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, तो ये परचेज बुक में चला जाएगा। परचेज ऑफ गुड्स नहीं, उसके बाद सैलरी पेड रुपीज 1 लाख, सैलरी पेड किया, कितना सैलरी पे कर दिया, 1। बेसिकली कैश बुक बनने वाली है, क्या क्या बुक्स बनेंगी तो मैं बता देता हूं। एक बुक बन जाएगा आपका कैश बुक, एक बुक बन जाएगा आपका परचेज बुक क्रेडिट वाला लिखने के लिए, एक बुक बन जाएगा आपका सेल बुक, और जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। देखो फॉर्मेट सिंपल है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट कॉलम है अमाउंट, बाकी सब अधिक जानकारी। कैश बुक का ये वाला साइड रिसिप्ट साइड है, ये वाला साइड पेमेंट साइड है, इम्पोर्टेंट कॉलम हमारे लिए अमाउंट है, बाकी सब अधिक जानकारी। इसके लिए भी इम्पोर्टेंट अमाउंट है और अधिक जानकारी मिले, एक डेट, दूसरा पर्टिकुलर। यहाँ पे अगर कैश बुक सेल बुक में बात करें तो ये हो गया डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जर्नल में डेट पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट अलग होता है, क्रेडिट अमाउंट अलग होता है। तो दिस इज द फॉर्मेट। मैंने क्या किया, सारे फॉर्मेट एक साथ बना लिए। कई स्टूडेंट ने ऐसी घिनौनी हरकत की होंगी जिसके अंदर में उन्होंने बोला होगा कि हम सिर्फ सिर्फ पहले कैश बुक बनाएंगे, फिर हम परचेज बुक बनाएंगे, फिर हम सेल बुक बनाएंगे। ऐसा मत करना, ऐसा करने जाओगे ना तो आपको क्वेश्चन 5 बार पढ़ना, 4 से 5 बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कैश बुक बनाने 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 के लिए, फिर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा परचेज बुक बनाने 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 के लिए, फिर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा सेल बुक बनाने 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 के लिए। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। तो डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। तीनों बुक्स एक साथ बनाओ, चारों बुक्स रादर एक साथ बनाओ। जो ट्रांजैक्शन जो बुक में जा रहा है उसको जाने दो, जो ट्रांजैक्शन जो बुक में जा रहा है उसको जाने दो। मतलब कैसा बता रहा हूं मैं। सबसे पहला कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 10 लाख फॉर कैश, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड है तो पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में लिख देंगे 10 लाख। आई एम टेकिंग द ट्रांजैक्शन नंबर एज डेट 10 लाख, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे कैपिटल, 10 लाख लिख के क्या लिख देंगे अधिक जानकारी के लिए कैपिटल, बराबर है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 3 लाख फॉर कैश, 3 लाख का माल कैश में खरीदा, फॉर कैश है, बराबर है, फॉर कैश, फॉर कैश है तो कहां जाएगा बोलिएगा, फॉर कैश से तो कहां जाएगा, एक मिनट, फॉर कैश है तो कहां जाएगा कैश बुक में, फॉर कैश से तो कहां जाना है उसने कैश बुक में, ठीक है, एक मिनट, लेट मी सेटल डाउन। यस, इफ इट इज फॉर कैश ये चला जाएगा आपका कैश बुक में, तो ये कैश बुक है, पैसा गया है, पेमेंट साइड में लिख देंगे सेकेंड ट्रांजैक्शन, क्या नाम से लिख देंगे परचेस, 3 लाख का है ना, 3 लाख का परचेस कर लिया। अगला क्या है उसके बाद में, नेक्स्ट परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट है, क्रेडिट है तो, क्रेडिट है तो कैश बुक में नहीं जा सकता, गुड्स है तो परचेज बुक में जा सकता है ना, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट है, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट है ना, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट है तो कहां चला जाएगा ये आपका परचेज बुक में, 5 लाख, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे दीपक, ट्रांजैक्शन नंबर 3। नेक्स्ट उसके बाद में क्या है आपका,
सैलरी पेड रुपीज 1 लाख, सैलरी पे कर दी कि पेएबल है? सैलरी पे कर दी, सैलरी क्या कर दी हमने, पे कर दी, तो सैलरी पेड है, पेड है, पेड है, सैलरी पेड है, तो पेमेंट साइड में, पेमेंट साइड में फोर्थ क्या नाम से, सैलरी नाम से 1 लाख, क्या नाम से, सैलरी नाम से 1 लाख। रेंट पेबल, रेंट पे नहीं किया, ध्यान से सुनना, रेंट पे किया कि पेबल है? रेंट उन्होंने पे नहीं किया, ना 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 ना, 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 ना रेंट पे नहीं किया, रेंट पेबल है, तो पेबल है तो कैश बुक में आएगा क्या? अच्छा एक चीज मेरे को बताओ, वहां आगे बढ़ने से पहले एक चीज मेरे को बताओ, मैंने ऐसी घिनौनी हरकत की क्या? पहले मैं पूरा कैश बुक बनाएंगा, फिर मैं परचेस बुक बनाएंगा, फिर मैं सेल बुक बनाएंगा, मैंने ऐसी घिनौनी हरकत की कि कैश बुक, परचेस बुक, सेल बुक, जर्नल, ये साथ साथ में बना रहा हूं। तो कैश का ट्रांजैक्शन कैश बुक में चला गया, परचेस का ट्रांजैक्शन परचेस बुक में चला गया, तो आप मेरे स्टूडेंट हो, कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत मत करो, पहले पूरी कैश बुक बना, फिर परचेस बुक बना, फिर सेल बना, फिर जर्नल बना, ऐसा कोई नहीं करेगा। ऐसा अगर आप करोगे तो आप मरोगे, ऐसी गंदी हरकत कोई नहीं करेगा, ये याद रखना। तो क्या लिखा हुआ है वहां पे, रेंट पेएबल रुपीज 2 लाख, रेंट पे नहीं किया, रेंट पेएबल है, रेंट पे कर दिया क्या? नहीं, रेंट पेएबल है, रेंट पेएबल है, तो मैं कहता हूँ रेंट पेएबल है, पेएबल है तो कैश बुक में जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। परचेज बुक, सेल बुक नहीं, तो जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, और जर्नल में ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते, बाय यूजिंग 5 स्टेप्स, एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली, डिटरमाइन द अकाउंट पॉसिबल, लॉक द कैटेगरी ऑफ अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट एंड पास द एंट्री विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे वहां, क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे, एक हो जाएगा रेंट, एक हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, एक हो जाएगा रेंट, एक हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, रेंट अकाउंट डेबिट, और आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट पर्सनल अकाउंट गिवर ऑफ उधारी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट 2 लाख। तो मैंने ऐसा किया क्या, मैं पहले परचेस बुक बना रहा हूँ, फिर सेल, फिर कैश, फिर जर्नल, ऐसा बना रहा हूँ कि तीनों साथ में बन गई, ना साथ साथ में बनेंगी, जो इन्फॉर्मेशन जिस बुक की है वो इन्फॉर्मेशन उस बुक में जाती जाएंगी, जो इन्फॉर्मेशन जिस बुक की है वो इन्फॉर्मेशन उस बुक में हम पोस्ट करते चले चलेंगे। क्लियर है यहां तक, यस और नो? नेक्स्ट, रेंट हो गया, रेंट पेएबल रुपीज 2 लाख, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख फॉर कैश, 7 लाख का माल कैश में बेचा, 7 लाख का माल कैश में बेचा, मेरे को तो 7 लाख का माल कैश में बेचा तो पैसा आया या गया? 7 लाख का माल कैश में बेचा, कैश में बेचा तो पैसा आया, आया तो रिसिप्ट साइड में 7 लाख, सेल बुक में नहीं बेटा, कैश है तो कैश बुक में, क्रेडिट रहता तो सेल बुक में। ये कितना हो गया ट्रांजेक्शन नंबर 6। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 6 लाख फ्रॉम सुरेश, देखो सुरेश नाम दिया है, नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, क्या मानेंगे, कैश या क्रेडिट, क्या मानेंगे बोलो, कैश मानेंगे क्रेडिट मानेंगे, नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, क्रेडिट मानेंगे, ऑफकोर्स क्रेडिट मानेंगे। 6 लाख, अधिक जानकारी के लिए, क्रेडिट बोला तो क्या कैश बुक में आएगा क्या, क्रेडिट बोला तो क्या कैश बुक में आएगा क्या, नहीं, परचेस बुक में चला जाएगा, नहीं परचेज नहीं है, सॉरी सॉरी माय मिस्टेक, इट इज सेल, इट इज सेल, परचेज नहीं है, सेवेंथ वाला सेल है, सेल है, सेल है, तो यहाँ आएगा क्या है, ट्रांजैक्शन सेल का 6th, नहीं अरे बराबर ही है, सॉरी मैंने 6th और 7th मिक्स कर दिया, क्या सर ध्यान ही नहीं है आपका, हाँ हाँ सुरेश 6 लाख। 8, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 5 लाख टू रमेश ऑन क्रेडिट, सेल ऑफ गुड्स रुपीज 5 लाख, क्रेडिट है, क्रेडिट है तो कैश बुक में जाएगा क्या, नहीं वो कहाँ जाएगा, सेल बुक में रमेश के नाम से, कितना हो जाएगा रमेश के नाम से 5 लाख, रमेश के नाम से कितना हो जाएगा वो 5 लाख, जमता है यहां तक। परचेज ऑफ कार रुपीज 5 लाख, कार खरीदी, कितने की कार खरीदी उन्होंने, 5 लाख की कार खरीदी, कितने की कार खरीदी 5 लाख, मतलब 5 लाख की कार खरीदी, फॉर कैश ऑन क्रेडिट कुछ भी नहीं दिया, क्या मानेंगे, फॉर कैश ऑन क्रेडिट कुछ भी नहीं दिया, क्या मानेंगे,
कैश मान लो, नाम भी नहीं दिया कैश मान लो, तो ये कैश बुक में चला जाएगा कार के नाम से। कितना है कार? 5 लाख। सेल ऑफ गुड्स रुपीज 7 लाख। ऑन क्रेडिट दिया है, ऑन क्रेडिट बात खत्म, कैश बुक में आ नहीं सकता। सेल ऑफ गुड्स भी है, गुड्स है तो कहाँ चला जाएगा वो? सेल ऑफ गुड्स भी है, गुड्स भी है तो कहाँ चला जाएगा वो आपका? सेल बुक में। किसके नाम से? राहुल के नाम से। राहुल के नाम से कितना हो जाएगा वो? 7 लाख। अगला वाला जरा ध्यान से देखना। द कार सोल्ड फॉर रुपीज 3 लाख टू अनिल। अब आप बोलोगे, देखो एक मिनट, पहले तो नाम दिया है, नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है तो क्या मानेंगे? नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है तो क्या मानेंगे, कैश या क्रेडिट? नाम दिया है, नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है तो क्या मानेंगे, कैश या क्रेडिट? नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है तो क्या मानेंगे? ऑफकोर्स ऑफकोर्स क्या मानेंगे? क्रेडिट मानेंगे उसको। क्या मानेंगे? क्रेडिट। अब क्रेडिट सेल ऑफ कार है, क्रेडिट सेल है तो कैश में नहीं आएगा, तो क्या कैश सेल बुक में आएगा क्या? मैंने आपको कल चिक चिक के बताया, सेल बुक में सिर्फ गुड्स आते हैं, एसेट्स नहीं। क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स कहाँ जाएगा? क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स कहाँ जाएगा बोलो? क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स जर्नल में जाएगा। क्रेडिट सेल ऑफ एसेट्स कहाँ जाने वाला है? जर्नल। तो ट्रांजैक्शन नंबर 11 जर्नल में डाल लो। क्या? अच्छा, कार खरीदी कितने में थी? कार खरीदी थी 5 लाख में। कार खरीदी कितने में थी? 5। 5 लाख की कार 3 लाख में बेची तो 2 लाख का लॉस हो गया। अनिल बन गया रिसीवर, अनिल अकाउंट डेबिट, अनिल बन गया रिसीवर, अनिल अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाना है अनिल ने? अनिल अकाउंट डेबिट, अनिल कितने से डेबिट हो जाना है? 3 लाख टू कार। कार कितने की चली गई? कार अकाउंट क्रेडिट, कार चली गई 5 लाख की, 2 लाख का लॉस हो गया। तो लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट 2 लाख। देखो बेटा, सेल ऑफ एसेट हर एसेट जर्नल में जाता है, मैंने ये नहीं बोला। हर एसेट जर्नल में जाता है, मैंने ये नहीं बोला। मैंने क्या बोला? सेल ऑफ एसेट जर्नल में जाता है। सेल ऑफ एसेट क्रेडिट पे है तो जर्नल, कैश में है तो कैश बुक में। रुपीज 1 लाख इज विद्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। रुपीज 1 लाख इज विद्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज। 1 लाख रुपए ओनर ने पर्सनल यूज के लिए निकाले। विद्रॉन है, विद्रॉन है तो कैश विद्रॉन है। ड्रॉइंग्स के नाम से कैश बुक का पेमेंट साइड, ड्रॉइंग्स के नाम से कैश बुक का पेमेंट साइड। दैट्स इट, डन। इतना करना था आपको, इतना सा। बट एक चीज जो ध्यान रखनी थी क्लास, मैंने ऐसी हरकत नहीं किया कि पहले मैं पूरी कैश बुक बनाऊंगा, फिर मैं परचेस बुक बनाऊंगा, फिर मैं सेल बुक बनाऊंगा। मैंने ऐसी हरकत किया कि तीनों साथ साथ में बन, चारों साथ साथ में बनाया। देख लो बेटा, मैंने ऐसा नहीं किया कि पहले कैश बुक फिर परचेस बुक फिर सेल बुक, नहीं। हमने चारों बुक साथ साथ में बनाए, हमने पहले कैश बुक फिर परचेस फिर सेल, नहीं, चारों फॉर्मेट एक साथ बनाया और फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन पढ़ पढ़ के हमने पोस्टिंग की। बराबर है? यस और नो? जिन्होंने लिखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिखा है वो छापने का कष्ट कर ले, छापिएगा फटाफट।
हो गया लिख के, थोड़ा फास्ट लिखिए। यस हो गया है लिख के। आई थिंक दैट वॉज सफिशियंट टाइम टू राइट, बहुत समय था वो लिखने के लिए। एक छोटा सा चीज मैं आपको बता देता हूं, वी हैव कम्प्लीट वॉट वी हैव कम्प्लीटेड वॉट वी आर लेफ्ट विथ अकाउंटेंसी के बारे में थोड़ा सा, एक छोटा सा चीज है आप लोगों से मैं डिस्कस जरूर करना चाहूंगा। मुझे एक मिनट देना, मुझे वहां तक पहुंच जाने दीजिए। यहाँ कुछ भी नहीं है। यस आइए एक क्विक रिकैप यानी सारी। ओहो ये कहाँ चला गया। चलिए आइए देखते हैं कि हमने करना क्या है, अब तक किया क्या है और क्या हुआ है, उसका मीनिंग क्या निकलता है एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस। ये एक छोटा सा चार्ट है जो मेरे द्वारा बनाया गया है, एक ओवरव्यू देने के लिए, एक आइडिया देने के लिए कि भाई सब्जेक्ट में करना क्या है। ये जो सब्जेक्ट में करना क्या है इसको अकाउंटिंग साइकिल बोलता हूँ। ये जो हमारा अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है इसको मैंने डिवाइड किया है कुछ विविध प्रकार के पार्ट्स में, हम इसको अकाउंटिंग साइकिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसको? अकाउंटिंग साइकिल जो अभी हम यहाँ बना रहे हैं।
ये अकाउंटिंग की प्रोसेस है बेसिकली, कि अकाउंटिंग कैसे होगी, क्या होगी एंड एवरीथिंग। तो अकाउंटिंग साइकिल की अगर मैं बात करें तो अकाउंटिंग साइकिल इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। प्रोसेस को हमने फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग। जैसा इनपुट मतलब इनपुट के लिए हमको डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसा इतनी ट्रांजैक्शन की लिस्ट थी ये जो हमने सॉल्व किया, ये जो 12 ट्रांजैक्शन की लिस्ट थी, ये ट्रांजैक्शन कैसे पता चलती होंगी कि ऑर्गेनाइजेशन में ये ट्रांजैक्शन हुई। ऐसा एक साधु सुबेरे सुबेरे मेडिटेशन करता होगा हमारे ऑफिस के सामने और उसने बता दिया होगा कि हाँ लो ये 12 ट्रांजैक्शन है, आज की ये 12 ट्रांजैक्शन है। ऐसा होता होगा कि इसके कुछ डॉक्यूमेंटिंग प्रूफ्स रहते होंगे, इसका कुछ डॉक्यूमेंटिंग प्रूफ्स रहते हैं, एंड दैट डॉक्यूमेंटिंग प्रूफ्स, दैट डॉक्यूमेंट प्रूफ्स आर कॉल्ड एज, वो जो डॉक्यूमेंटिंग प्रूफ्स रहते हैं इसको, ये जो रहते हैं दे आर कॉल्ड एज इनपुट डॉक्यूमेंट। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, परचेस के ट्रांजैक्शन परचेस बिल से पता चलते, सेल के सेल से, एक्सपेंस के एक्सपेंस से, कुछ वाउचर्स बनाए जाते हैं, अग्रीमेंट, इन सब से चीजें पता चल जाती है। रिकॉर्डिंग में जैसा कि मैं बताया, रिकॉर्डिंग वी हैव डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, प्रोसेस वी हैव डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इज डन इनटू प्राइमरी बुक, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। रिकॉर्डिंग इज डन इनटू प्राइमरी बुक। प्राइमरी बुक्स क्या है, जर्नल एंड सब्सिडरी। जर्नल वॉज सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सब्सिडरी वॉज मल्टीपल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। दोनों में से एक, कोई बंदा जर्नल फॉलो कर सकता है, सिर्फ जर्नली जर्नल में पूरे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ले, कोई बंदा जर्नल और सब्सिडरी बुक्स में, दोनों में। और आप अगर देखेंगे तो जर्नल हो या सब्सिडरी हो, ये जर्नल मेथड तो कंपलसरी बनता है। तो दिस इज कॉल्ड, जर्नल इज कॉल्ड एज एन कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल को हम क्या बोलते हैं, कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट। चाहे मैं सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो करूं, चाहे मैं सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, ये जो थी ये सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट थी, चाहे मैं मल्टीपल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो करूं, जर्नल तो बनता है, चाहे मैं सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट फॉलो करूं या मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉलो करूं। बट इसका एक ड्रॉबैक है, यहाँ इन्फॉर्मेशन जो होती है डेट वाइज, यहाँ इन्फॉर्मेशन जो होती है डेट वाइज। डेट वाइज मतलब क्या, जैसा कि ये जो ट्रांजैक्शन है, ये जो हमारा कैश बुक था, ये जो आज हमने जो इन्फॉर्मेशन बनाई यहाँ पे, आप ये इन्फॉर्मेशन देख के मुझसे अगर सवाल पूछोगे, जैसा सब्सिडरी बुक्स में भी अगर आप मुझसे ये सवाल पूछोगे, एक मिनट उसको रिफ्रेश, जैसा यार आदर इस पे आ जाओ ना, ये क्वेश्चन नंबर वन जो हमने सॉल्व किया था बहुत समय पहले, इसको अगर आप देख के पूछोगे कि सर साल भर के परचेजेस कितने हैं, तो मेरे को ढूंढना पड़ेगा परचेजेस कहाँ कहाँ है। जैसा ये देखो, ये रहा ये परचेज इसकी टोटल, ये परचेज इसकी टोटल, ये परचेज इसकी टोटल, ये परचेज, ये परचेज, ऐसा टोटल मानना पड़ेगा और फिर ऐसा ढूंढना पड़ेगा परचेज परचेज परचेज, कहीं नहीं है, फिर मैं बताऊंगा उसकी टोटल। इसको टाइम लगेगा नहीं लगेगा, गलती होगी नहीं होगी, होगी। तो इन अकाउंट वाइज इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती हमको, वो इन्फॉर्मेशन हमको क्लासिफिकेशन में मिलती है, जहां पे हम ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन को री रिकॉर्ड करते हैं। ये री रिकॉर्डिंग को पोस्टिंग बोला जाता है, ये री रिकॉर्डिंग को पोस्टिंग, और पोस्टिंग की जाती है लेजर बुक में, जो सेकेंडरी बुक है। कैसे की जाती, क्या की जाती, ये मैं प्लस कोर्स में पढ़ाने वाला हूं, प्लस कोर्स में पढ़ाने वाला हूं। उसके लिए आपको हमारा अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। लेजर्स मैं यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं पढ़ा सकता, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं उसके पढ़ाने के तरीके, और वो डाउट सॉल्व करने होते हैं और डिस्कशन करना होता है, तो आप प्लस में जाएंगे, मैं ऑलरेडी वो लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ, आप देखिएगा समझ में आएगा। यहाँ हमको इन्फॉर्मेशन अकाउंट वाइज मिलती है, फिर यही लेजर की मदद से हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, ये भी मैंने उस प्लस कोर्स में समझा रखा है, और इन ट्रायल बैलेंस की मदद से फाइनल अकाउंट बनाते हैं, दैट इज समराइजिंग, जिसमें हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होते हैं, दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फाइनल अकाउंट। हमने अकाउंटिंग, अगर आपको याद होंगी तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तीन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ रखी है। ये देखो, ये तीन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हमने पढ़ रखी थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। हम जो अभी पढ़ रहे हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसका पर्पज है टू नो प्रॉफिट एंड लॉस एंड टू नो फाइनेंशियल पोजिशन। ये पर्पज भी तो फुलफिल होना चाहिए, ये पर्पज हमारा फाइनली आके यहाँ फुलफिल होता है, फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट लास्ट चीज, फाइनल, ये फाइनल है। तो इनकम स्टेटमेंट से हमको पता चल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट से हमको पता चल जाती है फाइनेंशियल पोजीशन। हियर फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग गेट्स ओवर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग गेट्स ओवर मतलब ये यहां तक आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया, यहां से आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है आपकी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये पूरी यहां तक के फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। इसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, दिस इज बुक कीपिंग, दिस इज बुक कीपिंग एंड दिस इज अकाउंटेंसी, एंड वे बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटेंसी स्टार्ट्स, वे बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटेंसी स्टार्ट। तो बुक कीपिंग यानी क्या है, रिकॉर्ड मेंटेन करो, क्लासीफाई करो,
प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करो दैट इज अकाउंटेंसी, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करो दैट इज अकाउंटेंसी। इवन अकाउंटेंसी यहां तक घुसेंगी क्योंकि ये भी तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही है, मैनेजमेंट यहां तक मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। आउटपुट रिपोर्ट्स मतलब क्या होता है ये समझ लेना, आउटपुट रिपोर्ट्स मतलब जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो, ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स बनाते हैं डिसीजन लेने के लिए, जो सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। और जो हमारे यूजर्स रहेंगे, जो भी आप बनाओगे इसके यूजर्स रहते हैं, कौन यूज करेगा, पढ़ेगा कौन, बना तो दिया, इस्तेमाल किसको आता है, तो तीन घर वाले याद कैसा रखना, तीन घर वाले चार बाहर वाले, याद कैसे रखोगे, तीन घर वाले चार बाहर वाले। घर वाले कौन कौन है, ओनर, ओनर को क्या काम है, क्या जानना है उसको, प्रॉफिट्स। मैनेजर, मैनेजर को डिसीजन लेने के काम आते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को यह जानने के लिए टाइम पे सैलरी मिलेंगी क्या, कंपनी बंद तो नहीं होंगी, क्रेडिटेबिलिटी जानने के लिए। एक्सटर्नल यूजर्स में डेटर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर्स। अब आप बोलोगे सर हम अनअकैडमी से उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांग सकते क्या, नहीं आप नहीं मांग सकते। डेटर्स कब, जब बड़ा डेटर है, बड़ा कस्टमर है, जैसा मैं नटबोल्ट बनाता हूं और मैं मारुति को नटबोल्ट सप्लाई करना चाहता हूं, मारुति कंपनी को, तो मारुति कंपनी मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेंगी कि वो देखना चाहेंगी, जानना चाहेंगी कि वो बड़ा ऑर्डर देंगी, और मैंने अगर ऑर्डर डीले किया तो उनका मैन्युफैक्चरिंग डीले हो जाएगा, तो वो जानना चाहेंगे कि उतना बड़ा ऑर्डर मैं खपा पाता हूं या नहीं खपा पाता हूं, तो वो बोलेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाओ, आपकी पोजीशन जाननी, आपकी औकात जाननी, तो मारुति भी मेरे से स्टेटमेंट मांग सकती है। क्रेडिटर्स ऑफकोर्स, माल सप्लाई कर रहा है क्रेडिट में तो जानना चाहेगा कि पैसा टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है तो जानना चाहेगा कि आपकी औकात है या नहीं है, आप डुबाओगे तो नहीं, बाकियों के पैसे ले लेके डुबा के तो नहीं रखेंगे, सब इन्वेस्टर्स। गवर्नमेंट बोले तो हमारी जवाई लोग, जवाई लोगों को एक ही काम है, बताओ तो क्या काम है, टैक्स, वेदर यू आर गोइंग टू फाइल द टैक्स प्रॉपरली और नॉट। तो इस तरीके से ये पूरा अकाउंटिंग, इसको अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। क्यों अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं, क्योंकि ये आउटपुट इन्फॉर्मेशन विल बिकम इनपुट इन द नेक्स्ट ईयर, ये इन्फॉर्मेशन इनपुट बनता है और ये साइकिल कंटिन्यू होता है। अब तक अगर मैं बात करूं, अब तक मैंने आपको सिर्फ ये पढ़ाया, अब तक मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन और प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ये मैंने प्लस कोर्स में पढ़ाना है, तो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जो सब्सक्रिप्शन के प्लान्स मैंने आपको बताए थे, दैट यू विल हैव टू, अगर आपको अब तक समझा है, मजा आई है, तो यू विल हैव टू बाय द सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के प्लान्स मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ कि ये इस तरीके से प्लान्स आप लोगों को है, जहां आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 month, ऐसे सब्सक्रिप्शन है। आई होप आपको समझा है कि हम कहाँ हैं। प्लस कोर्स में हम लेजर पढ़ेंगे, वंस वी आर डन विद लेजर, लेजर के बाद लेजर और ट्रायल बैलेंस के बाद आई विल नॉट बी स्टार्टिंग विद दिस फाइनल अकाउंट, आई विल बी स्टार्टिंग विद वन स्मॉल टॉपिक, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नाम का, वो सब इस प्रोसेस के अंदर ही आता है, वो चैप्टर में शुरू करूंगा। ये अगर चार्ट बनाना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए अगर ये हो गया होगा तो वी विल स्टॉप फॉर द डे, आज हम यही रुकेंगे। बट यस, अगेन मैं आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, आपको डाउट पूछने के तरीके मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, डाउट पूछने के लिए यू कैन व्हाट्सएप मी, मैंने ग्रुप बना रखा है, आप चाहते हो उस ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप आपका नाम, बैच और जेंडर, वेदर यू आर बॉय और अ गर्ल, लिख के भेजिए। मेरा टेलीग्राम आईडी है, मेरा पैरेलल चैनल, फेसबुक एंड इंस्टा आईडी, एंड दिस इज माय स्पेशल डिस्काउंट कोड, डोंट फॉरगेट टू यूज दैट व्हाइल बाइंग द सब्सक्रिप्शन, सो दैट कि मैं आप लोगों को पर्सनली गवर्न कर सकूं, पर्सनली आप लोगों पे ध्यान रख सकूं कि आप कैसा पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कहां गड़बड़ कर रहे हो, कहां गड़बड़ नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजों पे मैं ध्यान रख सकूं। तो प्लीज आपसे दरखास्त है, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त वो सब चीजें ध्यान रखना। थैंक यू, अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, साथ ही साथ में कमेंट में कोई डाउट है तो लिखिए। डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म होता है, डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म होता है, उसे जरूर भरिएगा फीडबैक फॉर्म, ताकि पता चले, मुझे भी पता चले कि आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो और हमें भी इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिले। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन प्लस प्लेटफॉर्म। बाय बाय, टेक केयर।